हेलो दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया सोनिया 5507 या सोनिया सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा से कमेंट पे बात हुई है, अच्छे बुरे इन पे बात हुई है, जो भी जिसने बोला नहीं बोला क्या नहीं बोला। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो मतलब कि जानना चाहते हैं कि भाई कौन सा गाँव है, कौन सी ससुराल है, किस जगह रहते हो। तो हमेशा से मेरा यही कहना रहा है कि चाहे आप कहीं भी रहो पर आप लोगों के दिलों में राज करो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं थोड़ा सा गेट को फेर रही हूँ क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है। ये एक बायोग्राफी होती है कि हम किसी के बारे में जानें, हम किसी के बारे में पूछें। तो मेरा नाम एक्चुअली सोनू चौधरी है और लड़कों का सा नाम है, बट सोनिया मैंने अपने चैनल का नाम रखा था क्योंकि कपिल और सोनू दोनों मेल नाम लगते, फीमेल नहीं लगते थे, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम सोनिया सोनिया रखा। और क्योंकि मुझे घर में बहुत से लोग और मेरे रिश्तेदार सोनम और सोनिया कहते हैं, इसलिए। तो दोस्तों, एक्चुअली पढ़ाई मैंने 12th तक की है और गांव मेरा मचगर है, जहाँ से पीछे से हम मेरा एक भाई, हम दो बहनें हैं। बड़ी बहन आर्मी में है जीजाजी, और पापा जी CISF से रिटायरमेंट हैं, और क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है। और पापा जी CISF से रिटायरमेंट हैं, जो हमारे बीच में अब नहीं है। मम्मी हैं, भैया हैं, दो भतीजे हैं और बड़ी सिस्टर हैं, उनको एक बेटा एक बेटी है। और मेरे भी दो बच्चे हैं, कपिल पारुल, जैसा आप सब जानते हो। बट बायोग्राफी क्या है, कैसे शौक चढ़ा, कितना जुनून है, क्यों है, तो ये बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ से भी अच्छी परिवार है, भैया पे भी 17-18 बीघे खेत है और अपना काम है, स्कूल वगैरह हैं, तो काफ़ी अच्छा काम है। और पीछे से जेवर ससुराल है, तो ससुर के 80 बीघे खेत है, ऐसी बात नहीं है, पर जिम्मेदारा है। और हस्बैंड की अच्छी जॉब है, कास्ट मास्टर 6 सेक्टर में, और बेटा भी टाटा लाइड में जॉब करता है, टाटा स्टील में सीनियर सेफ्टी सुपरवाइज़र है। और बेटी ससुराल में है और उनको वो बीए भी कर रही है, अभी ज़्यादा एज की नहीं है, 20 साल की है। और मेहनत बहुत की है, क्यों की थी, क्योंकि ससुराल में जब हम अलग हुए थे, घर में चाहे कोई देखो ब्लॉग नहीं देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहना नहीं चाहती, बट हमें कुछ नहीं मिला था और बहुत झगड़ा हुआ था इसी बात को लेके, और घर से हम गुस्से होके निकल के आ गए थे। बट उससे पहले मैंने क्या किया था ये बताती हूँ। उससे पहले मैंने जेवर में स्कूल में पढ़ाया था, और स्कूल में जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी, जब मैं साइकिल का पैडल ऐसे ऐसे घुमाती थी, तब मैं साइकिल का पैडल लगाती थी, तब मैं ये सोचती थी कि मतलब मुझे इससे आगे काम करना है। बहुत मेहनत करी थी उस टाइम, भूखे प्यासे हम बहुत कुछ रहे थे, समझ में नहीं आता था क्या करें क्या नहीं करें। पर जब हमारे ससुराल का, मेरे ससुर चाचा ताऊ या कोई भी गांव का मिलता था, तो मुझे साइकिल से नीचे उतरती थी मैं, उनकी बहुत शर्म करती थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता बहू बेटी बड़ों के आगे साइकिल चलाएं, बदतमीज़पना करें या कुछ भी करें। तो फिर अब जनरेशन चेंज हो गई है, अब कहीं ना कहीं अपने आप में तब्दीली आ गई है, बदलाव आ गया है। तो घर में खाने तक के भी लाले पड़ गए थे। एक छोटी सी बात कहूँगी, मेरी एक चाची है, मेरी फ्रेंड है, चाची जो चाची सास है वो दोस्ती है, उनकी शादी और मेरी शादी साथ साथ ही हुई थी, थोड़े साल 2 साल उनके पहले हो गई थी। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, घर में खाना नहीं था, मैं उनके घर खाना खाने गई थी। तो हर दिन वो मेरे से पूछते थे, जब भी मैं जाती थी दूसरे तीसरे दिन की खाना खा ले, मैं खा के आती थी, पर उस दिन उन्होंने मेरे से पूछा भी नहीं कि तू खाना खाएगी नहीं खाएगी। फिर मैं अपने ऐसे ही घर पर चली आई थी, मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, और बहुत ही बुरा हाल रहा था। घर तक आते आते आँखों में से आंसू यहाँ तक निकल गए थे क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से थी। मैंने कि यार इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है, हमेशा से हस्बैंड ने साथ दिया, इससे भी ज़्यादा कि क्या, तू कुछ भी कर ले, कुछ भी मत कर, मुझे तेरे पे विश्वास है, तूने मेरे बुरे दिन में साथ दिया है। अब मैं थोड़ी सी भावुक हूँ पहले से ही, और शायद इसी कारण मैं मतलब भावुक हो जाती हूँ और मुझे रोना आ जाता है। और ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करते रहने चाहिए,
चाहे कुछ भी हो ना हो, हमारे पास मैटर ये नहीं रखता है। अगर हमारे पास जो कुछ है हम उसमें खुश रहना चाहिए हमें। और अब ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अब शौक और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई सुखमय की ज़िंदगी जीना चाहता है, तो इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। और मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी आगे भी और करती रहूँगी। और सब चीज़ की भगवान की दवा से मौज है। अब मैं NIT फरीदाबाद नगला गुजरान में रहती हूँ, जहाँ पे मेरा ये 125 गज का घर है, और हर चीज़ की यहाँ पे मौज है क्योंकि हमने मेहनत की, हमने इस चीज़ को पाया है। और अब मेरे को 2 साल से बहुत ज़्यादा जुनून चढ़ा। सब लोग वीडियो बनाते थे कि सोचते थे, मैं तो शौक में ही वीडियो बनाती थी, मुझे ये भी नहीं पता था इससे पैसे भी कैसे कमाए जाते हैं। तो एक्चुअली कपिल ने मुझे कन्विंस किया कि आप इंस्टा चलाते हो, आप यूट्यूब भी चलाया करो। तो मैंने कहीं ना कहीं उनकी बात मान के फिर मैंने यूट्यूब चलाना सीखा, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। चाहे मैं थोड़ा सा जीना है अपने लिए, अपनी शौक मौजों के लिए, जो जी दुनिया ने कुछ भी बोला, जितने मेरे फीमेल फैन और मेल फैंस हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि नहीं हमें सोनिया का साथ देना है, उनका डांस अच्छा लगता है, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे शुक्रगुजार करूं आप सबका। इतना बड़ा मुझे पैकेज दिया, ये मेरा सपना साकार किया। हस्बैंड ने भी मेरे लिए 1 साल नाइट ड्यूटी करी उन्होंने, कि मैंने कहा मुझे भी गोल्ड जीतना है, मेरे पास भी एक चीज़ होगी तो कम से कम ये तो बोल दूँगी कि मेरे पास गोल्ड है। और मैं हस्बैंड को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, लव यू पति देव, और थैंक यू इतना विश्वास करने के लिए। और मैं घर में देखो बहुत सिंपल रहती हूँ, हमेशा से एक चुन्नी बंदी रहती है सर पे, हमेशा बंदी रही, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और बच्चों, जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी मेरे बेटा, उनका एक दृढ़ संकल्प कि मम्मी बहुत अच्छी है, और उनके लिए भी मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए बच्चों के लिए कोई बात नहीं अपने आप को तसल्ली दे देती हूँ सबको, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सब यू, सबको लव यू है, तहे दिल से शुक्रिया। यूट्यूब से बोलना चाहती हूँ, थैंक यू यूट्यूब, इतना अच्छा सॉफ्ट प्लेटफॉर्म दिया कि जिस पे आप मेहनत कर सकते हो और आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो, 6 महीने में आपकी अर्निंग चालू हो सकती है, पैसा मिल सकता है, बट मेहनत करोगे कंटिन्यू तो आपको सब कुछ मिलेगा। और आप कितने दोस्तों के दिल में जगह बना लेते मैटर ये रखता है। और थैंक यू, मैं सबसे कहना चाहती हूँ ये मत सोचो कि मुझे कोई लाइक देगा, आप अपनी तरफ से लाइक दें, क्योंकि वो आपकी लाइक देखे और आपका कमेंट देखे, यार इसने मुझे कर रखा, कल भी किया था आज भी किया, ये कंटिन्यू मैं भी इसके लिए काम करूँ, तो कहीं ना कहीं एक चैन होती है, जो जैसे बेल जुड़ जाती है ऐसे ये भी चैन है, बेल है, जुड़ी रहनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर भी यूट्यूब से यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू यूट्यूब और यूट्यूब फैमिलीज और फेसबुक इंस्टा सबको थैंक यू, इतना अच्छा सॉफ्ट टारगेट बनाया इसको, बट जो भी है, पैर कटो या कुछ भी कटो या बुखार हो या कुछ भी हो, आपको काम थोड़ा बहुत करना ही है और करते रहना है, क्योंकि जब हम ये सोचेंगे हमें नहीं करना तो फिर वहाँ ऊपर से भी नहीं हो जाती है, इसलिए खुश रहो, करते रहो और अपने दोस्तों को लव यू बोलते रहो। मैं सबको मैं मेरे सबके दिल जो जितने भी नाम है दिमाग और दिल में है सबको थैंक यू दोस्तों, लव यू, यही मेरी छोटी सी जर्नी है। और प्लीज़ पूछा